Good evening. We are happy to welcome you to the Dhirubhai Ambani Square this lovely evening. We have lined up a spectacular show for you, so hold your breath. We will be starting soon. The lucky few sitting in the front will experience. अभी फाउंटेन तो खत्म हो चुका है और हम लोग घर जा रहे हैं। And maintain safe distance while exiting. We welcome you to take a walk around the space. There are food carts from where scrumptious snacks and drinks can be purchased. Thank you for joining us today. Have a lovely evening. अभी शो खत्म हो चुका है। Thank you.
आज बनाने जा रही थी फालूदा, अमूल का दूध 1 लीटर, ये फालूदा मिक्स आता है, इसमें कुछ नहीं मिलाना पड़ता है, और आइसक्रीम फ्रिज में रखी हुई और मैं अभी जल्दी सुबह बना के रख दूँ। कढ़ाई में 1 लीटर दूध है, उसमें 1 लीटर दूध ही डालते हैं, तो 1 लीटर दूध डाल दो। मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है, अब ये उबल जाए तो फिर डालूंगी फालूदा मिक्स। ये पैकेट 70 रुपए का आता है। और कल मैंने ये ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदी है और दूसरी लाए थे वो खा ली, ये फालूदा के लिए रख दी थी। अब दूध हल्का उबल चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी पूरा फालूदा, इसमें कुछ नहीं डालना है, सब इसमें मिला रहता है। ये बहुत सारे फ्लेवर में आता है, ये वेनिला फ्लेवर है। अब इसको चलाते रहें और गाढ़ा कर लें, थोड़ी देर में अपने आप पक जाएगा और ये जो ब्लैक ब्लैक है ये सब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ये सब्जा है और ये फालूदा भी पक जाएगा। फिर आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट के साथ जब ये ठंडा हो जाए तो खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये अपने आप गाढ़ा हो रहा है। ये रबड़ी फालूदा है। ये देखिए अभी ये गाढ़ा हो रहा है, 5 मिनट और पकाएंगे और फिर इसको रख देंगे ठंडा होने के बाद फ्रीजर में या फ्रिज में। तो मैं फ्रीजर में रखूंगी जल्दी ठंडा हो जाए। बाहर मिलता है वो तो इतना अच्छा नहीं रहता है, घर का बना हुआ शुद्ध और देसी दूध, मतलब शुद्ध अच्छा ही है, वो लोग पता नहीं कौन सा दूध यूज करते हैं। मैंने अमूल का फुल मिल्क दूध लिया था जिसमें क्रीम रहती है। ये देखिए अपने आप ये गाढ़ा हो रहा है। अब ये अच्छे से पक चुका है तो मैं गैस को बंद कर दूंगी, ये थोड़ी देर बाद खुद ही गाढ़ा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद फ्रीजर में रख दूंगी। ये कितना गाढ़ा हो चुका है, मैं इसको हल्का और ठंडा हो जाए तो फ्रीजर में रख देती हूँ। रबड़ी फालूदा तैयार है आइसक्रीम के साथ खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगता है गर्मियों में तो ज़्यादा ही। ये मेरा फालूदा तैयार हो चुका है, थोड़ा बर्फ भी डाल दी है। अब मैं इसको गिलास में देती हूँ खाने के लिए। अब मैंने दोनों गिलास में फालूदा निकाल लिया है और थोड़ी बर्फ भी डाली है। अब मैं डालूंगी आइसक्रीम फिर ड्राई फ्रूट। मेरा फालूदा और आइसक्रीम अब मैं इन दोनों के लिए खाने को देती हूँ। तो ये होशियार लड़की है, इतने ज़्यादा ले चुकी है। ये मेरी घर का बनाया फालूदा आइसक्रीम बाहर से लेके आई थी, तभी स्पून ला के देती हूँ। गुड इवनिंग, तो मैं बनाने जा रही हूँ बूंदी का रायता। तो ये इतना थोड़ा बेसन लिया है, अब इसको मैं घोलती हूँ। मेरा भूख लगी थी और कल रात में भी ढंग से खाना नहीं खाया था, अभी नहीं खाया तो मैंने सोचा अपने लिए रायता और चावल खाऊं। तो घर बूंदी नहीं थी घर पे, तो मैं घर पे ही बूंदी बना के अपने लिए रायता बनाऊंगी। दही रखा हुआ है तो चलिए बनाते हैं। बेसन को अच्छे से घोल लेती हूँ। मैंने घोल दिया बेसन और नमकीन, बूंदी बनाने जा रही हूँ तो नमक भी डाल दिया है और नमक को अच्छे से मिला ले। अच्छा फूल गया है बेसन, मैंने बहुत अच्छे से घोला है। तेल भी कढ़ाई में गर्म हो रहा है।
बूंदी का नहीं छन्नी तो मैं इससे बना लेते हैं। मेरी रायते की बूंदी तैयार हो चुकी है, बहुत कुरकुरी बनी है एकदम। तो मैं रायते को छौंका लगाने के लिए तेल कढ़ाई में रख दिया है। ये तेल है, इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग, मेथी, राई, जीरा, लहसुन, हींग, राई, मेथी, जीरा, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची बाद में डालूंगी। काला नमक, काली मिर्ची सब इसमें डाल दिया है। मेरा तड़का फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा हल्दी भी डालूंगी। कितना देखो गोल गोल बूंदी बनी है, मैं डालूंगी इसमें सारी बूंदी। पुदीना डालूंगी, अब मैं डालूंगी सुपर छौंक। मैंने छौंका भी लगा दिया है और मेरा रायता तैयार हो चुका है। बहुत अच्छा बना है, घर की बनाई बूंदी, घर का जमाया दही और मेरा रायता तैयार है खाने के लिए। भूख भी बहुत तेज लगी है तो पुलाव भी बन रहा है। चलो मैं खाती हूँ, आज लेट ही खाना खा रही हूँ।